केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता में आए 4.5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और उसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार ने और खुद नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में भारत की साख को बढ़ाया है। और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जल्द ही एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। दरअसल भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में पीएम मोदी के योगदान को देखते हुए उन्हें सियोल पीस प्राइज से नवाजा जाएगा। सियोल पीस प्राइज कल्चर फाउंडेशन के मुखिया बोनी होक की अध्यक्षता में इसकी घोषणा की गई है। फाउंडेशन ने अमीरों और गरीबों के बीच सामाजिक और आर्थिक समानता को कम करने के लिए मोदी नॉमिक्स की प्रशंसा की है। चयन समिति के अध्यक्ष चो चुंग हू ने कहा कि 12 सदस्यों की समिति ने विश्व भर में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर गहन चर्चा के बाद पीएम मोदी को चुना। इन उम्मीदवारों में मौजूदा और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, राजनेता, बिजनेसमैन, धार्मिक नेता, स्कॉलर, पत्रकार, कलाकार, एथलीट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि शामिल थे। समिति ने मोदी को परफेक्ट कैंडिडेट माना है। वह सियोल पीस प्राइज पाने वाले 14वें विजेता होंगे। अवार्ड के साथ साथ मोदी को $2,00,000 की राशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और नोटबंदी के जरिए सरकार को साफ रखने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की तारीफ भी की है। इससे पहले बीते महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े पर्यावरण सम्मान से भी नवाजा गया था। यूएन ने पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को संयुक्त रूप से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके अलावा 5 अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।